आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वर और धरती लोक पर महाकाल से बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं। जी हाँ, महाकाल में फिलहाल हम मौजूद हैं उज्जैन, और ये धार्मिक सांस्कृतिक नगरी जो है ये पहले से कहीं ज्यादा भव्य नजर आ रही है, क्योंकि ये महाकाल कॉरिडोर के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के आगमन का बस इंतजार है। मेरे पीछे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए महाकाल कॉरिडोर की तस्वीरें जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो प्रथम द्वार है यहीं पर शाम 6 बजे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ये नंदी गेट है ऊपर, अगर आप देख सके, मेरे कैमरा पर्सन सत्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 4 नंदी आपको नजर आ रहे हैं। इस द्वार को यहां पर नंदी द्वार कहा गया है। शिवलिंग जो है वो बीच में विराजमान है, और इस द्वार की शुरुआत जो होती है वो भगवान गणपति से होती है, क्योंकि ये माना जाता है सबसे पहला त्याग जो किसी ने किया था वो भगवान गणेश ने किया था। तो ये पहली तस्वीर है। उधर अगर दूर आप देखेंगे तो वो कमल कुंड आपको नजर आ रहा है जहां पर प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे। कमल कुंड के आगे 54 मीटर ऊंची भगवान की वो शिला आपको नजर आ रही होगी जो सप्तऋषियों से घिरी हुई है। कुल मिलाकर 45 हेक्टेयर में बना ये महाकाल कॉरिडोर जो है ये भव्यता को और ज्यादा भव्य करने वाला है। उज्जैन की जो ये नगरी है ये धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, लेकिन अब ये पहले से कहीं ज्यादा भव्य नजर आएगी, क्योंकि काशी कॉरिडोर से कई गुना ये बड़ा है। और इसीलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज महाकाल कॉरिडोर जो खुलने वाला, जिसका उद्घाटन शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उसमें क्या है खास, क्यों बार बार हम कह रहे हैं कि इसका महालोकार्पण होने वाला है, जरा देखिए और समझिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। जहां दिखता है महादेव की आस्था का अलौकिक संसार, उस धरती पर स्वर्ग जैसी आभा बिखरती है, वहां शिव के लिए अद्वितीय श्रद्धा झलकती है। वहां विशाल प्रवेश द्वार पर नंदी है तो नैनाभिराम कमल कुंड का दृश्य दिव्य है। वहां नटराज के 108 स्वरूप हैं तो दीवारों पर महादेव की 52 कथाएं जीवंत दिखती हैं। ध्यानस्थ महादेव दिखते हैं यहाँ। यहाँ त्रिदेव हैं, त्रिपुरा सुर हैं, कहीं अष्टभुजा रावण तो शिव और समुद्र मंथन है। 4 नंदी, 10 दिग्पाल, डमरू, चंद्र, सर्प, त्रिशूल, जहाँ नजर जाए शिव ही शिव है। दृष्टि अनंत, दर्शन अनंत, श्रद्धा अनंत, शिव गाथा। ये धरती है जहां आस्था और विज्ञान का संगम हुआ है, कला और सुंदरता का मिलन हुआ है। भक्ति की शक्ति और श्रद्धा के संकल्प ने उज्जैन की धरती पर बसा दिया है नया संसार। ये धरा है महाकाल की, श्रद्धा की ये सत्ता है महाकाल की, ये उज्जैन है। अब यहां दिखता है देवाधिदेव का महाकाल लोक। 350 करोड़ का निर्माण, 850 करोड़ का संकल्प, 900 मीटर की चित्रों वाली दीवार, मूर्तियां, सरोवर, द्वार, कुल 47 हेक्टेयर की नई दुनिया है ये महाकाल लोक, जो आज से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ शुभांकर मिश्रा, उज्जैन आज तक।